नमस्कार, संदीपा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसाला बैंगन, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसके लिए मैंने ली हूँ 1 पाव भटे काले वाले, जो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। इसके लिए हमको ये जो डंठल है ये ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, जिससे हमको ताज़े भटे होने का वो रहता है, अंदाज आता है कि ये बहुत ताज़े होते हैं, और ताज़े ही इस सब्जी के लिए भटे बैंगन चाहिए। अब हमने इस बैंगन के साथ एक आलू भी ले ली है, और अब इसको बैंगन को हमको थोड़ी थोड़ी डंठल जो पीछे की होती है इसको कट करना है, और क्रॉस में आधा कट लगाना है बैंगन में, और इसको चेक करना है कि इसमें कोई कीड़ा या सड़ा वीड़ा तो नहीं है। ऐसा करके हमको पूरे भटे काट के डायरेक्ट हमको पानी में डालना है, जो अच्छे से डूब जाना चाहिए, क्योंकि बैंगन थाली में काट के रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। ऐसे करके हमको पूरे भटों को अच्छे से ऐसे इस टाइप के कट लगाना है, और सबको अच्छे से चेक करना है, कोई इतना सा भी कालापन उसमें नहीं होना चाहिए। अब जो आलू है, इस आलू को हम 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। आलू आपकी इच्छा से आप डाल सकते हो या नहीं भी। तो ऐसे करके हम पूरे जो बैंगन है उस बैंगन को काट के तैयार कर लेंगे। और पूरे बैंगन को हम ऐसे पानी में डाल देंगे। अब हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने, और उसमें कम से कम 1 कटोरी ऑयल डाल देते हैं। अब तेल डालने के बाद हल्का सा गर्म हुआ कि पानी से निकाल के सूखे कर लेंगे, और फिर एक एक करके हम जो ऑयल में है भटे डाल देंगे, और साथ में आलू भी डाल देंगे। अब देखो तेल में डालते ही कलर चेंज होने लगा है। अब तब तक हम पैन में तेल डाल लेते हैं, और हल्का सा ये जो है 1/2 चम्मच हमको नमक डालना है। भटे को जब तलते हैं तब उसमें थोड़ा सा जो है स्वाद आएगा नमक का। अब इसके लिए ली हूँ मैंने 2 मीडियम प्याज कटे, और उसके बाद 1 चम्मच खसखस, तेज़पत्ता, काली मिर्च, और 2 इलायची, और ये है दगड़ फूल इलायची हरी वाली, और कसूरी मेथी, कलमी, और नारियल का किस 2-3 टेबल स्पून, और ये है खड़ी मेथी, लौंग 2-4, और 1 चम्मच सौंफ। अब हम पैन गरम करेंगे, उसमें ऑयल डाल देते हैं 1.5 चम्मच, और मीडियम गैस पे ही तेल गरम हो गया है। अब हम प्याज को पहले डाल देंगे, इसको जो तेज़पान है आप इसको पहले ऑयल में भी डाल सकते हैं। अब ये तेज़पत्ता और प्याज को थोड़ा भून लेंगे, और साइड में हमारे आलू भट्टे भी तल रहे हैं। अब जो प्याज है वो थोड़ी हल्की सी सॉफ्ट हो गई, तो इसमें हम मसाले डालना शुरू कर देंगे, जिसमें हमने दगड़ फूल, कलमी, 2 इलायची, लौंग, हरी इलायची और काली मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें डाले खसखस 1 चम्मच, बीच में थोड़ा गड्ढा करके उसमें ऑयल के साथ इसको डालना है, 1 चम्मच सौंफ, और ये 2-4 लौंग डाल देते हैं, और ये जो है खड़ी जो मेथी दाना है वो उसके 10-12 ही दाने डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हल्का सा गोल्डन हो गया है, अब इसमें हम नारियल किस डाल देंगे, और साथ में जो है कसूरी मेथी डाल देंगे, ये 1-1.5 चम्मच कसूरी मेथी है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मसाले के बैंगन में। देखो इस टाइप का, गैस बंद कर देते हैं, और इधर हमारे भट्टे भी होते आ रहे हैं। ये देखो आलू भी पक गया है और बैंगन भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम ऑयल से निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब ये जो मसाला है गैस बंद कर देते हैं, और एक प्लेट में मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है, अब इसको हम थोड़ा पानी डाल के मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। देखो इस टाइप का
एकदम महीन। अब हमने जो भटे तले थे कढ़ाई में, उसका थोड़ा सा तेल निकाल लिए, और जो तेल आधा बचा था उसमें हम राई डाल देंगे 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच। अब वो जो पेस्ट है मसाले का, इसको हम डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा ये देखो कलर चेंज हो गया इसका। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। धना पाउडर 1 चम्मच, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हल्दी डालेंगे 2-3 पिंच, अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर। मसाले को मिलाते रहना है और डालते रहना है। अब इसमें हमने गरम मसाला डाले, जो गरम मसाला सब्जियों का होता है 1 चम्मच, और जो मसाले का जार था उसी में पानी डालकर इसको हम पानी से भूंजेंगे। जो मसाला है उसको पानी डाल के हमको 1-2 बार भूनना है, और स्वादानुसार नमक डालना है। इसमें हमको ड्राई बैंगन निकालना है सब्जी में, तो इसीलिए थोड़ा ही हमको नमक डालना है। ये देखो इस टाइप का मसाला गीला ही होना चाहिए, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम जो भटे तले थे वो डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गीले मसाले में स्वाद बढ़े, उसमें जो बैंगन है उसमें स्वाद बढ़ाएगा। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और इसके लिए हम 2-4 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे। तो ये देखो ये हमारी ड्राई बैंगन तैयार हो गए हैं मसाले वाले। अब इसको हम, हमारे घर दोनों बैंगन पसंद है, ड्राई भी और रस्से के भी, तो इसको मैं 2-3 बैंगन और आलू साइड में निकाल लेती हूँ। अब हमने साइड में पानी भी गरम करने रख दिया है, अच्छा गरम उबला पानी चाहिए। तो ये पानी भी अब रस्से की सब्जी बनाने के लिए इसमें मैं 1.5 गिलास गरम पानी डाल दूँगी, और अच्छी उबाल आने तक इसको रहन देंगे। देखो इस टाइप का रस्सा बनाना है हमको। गैस को थोड़ा फुल करेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। अब जब ये सब्जी के ऊपर तेल आ जाता है तो समझ जाना कि जो रस्से की सब्जी है, हमारा रस्सा अच्छे से हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी मसाले बैंगन। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरी रेसिपी पसंद आती होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये ड्राई बैंगन मसाले वाले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, तो आप घर पर ज़रूर बनाइए। थैंक